नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्राम लर्निंग के बारे में। प्रोग्राम लर्निंग जो कि व्यवहारवादियों द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है BF स्किनर का। BF स्किनर ने इस प्रोग्राम लर्निंग को डेवलप किया था, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में अपने विचार दिए थे, इस पर वर्क किया था। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट नाम है सिडनी एल प्रेसी। मैं इनका नाम लिख देता हूं यहाँ पे, सिडनी एल प्रेसी का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि उन्होंने जो टीचिंग मशीन होती है उसको डेवलप करने में सबसे पहला कदम आगे बढ़ाया था। हालांकि वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद आने वाले जो भी व्यवहारवादी थे, जो इस फील्ड में वर्क कर रहे थे, उनको इससे काफी हेल्प मिली थी। इस वीडियो में बेसिकली हम समझेंगे कि प्रोग्राम लर्निंग होती क्या है। वीडियो को अच्छे से समझिएगा। देखिए, आप सभी को बीएफ स्किनर का नाम जरूर पता होगा क्योंकि आपने बीएफ स्किनर की थ्योरी भी पढ़ी होगी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है? बेसिकली बताती है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जानवर का जो व्यवहार होता है उसको हम कैसे एक खास दिशा में मोड़ सकते हैं, और वो भी किसकी मदद से? रेनफोर्समेंट की मदद से। ये सारी चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी, काफी हद तक उससे मिलती जुलती चीजें हैं यहाँ पर भी। अभी हम पढ़ेंगे कि प्रोग्राम लर्निंग कैसे वर्क करती है। देखिए, अभी तक आप देखेंगे कि बहुत सारे स्कूलों में और खासकर आज भी बड़ी क्लासेस में आप पाएंगे कि ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाए जाने का क्या मतलब है? ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाए जाने का मतलब ये है कि लेक्चर मेथड का यूज किया जाता है। मतलब बच्चों को ये नहीं देखा जाता कि भाई बच्चों को कितना आता है कितना नहीं आता। टीचर अपने हिसाब से लेक्चर को तैयार करता है और सभी को एक तरीके से, एक ही प्रकार से जो लेक्चर मेथड का यूज होता है उसका इस्तेमाल करके पढ़ाता है। अक्सर बड़ी क्लासेस में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन आप पाएंगे कि पुराने जमाने में छोटी क्लासेस के बच्चों को भी इसी तरीके से पढ़ाया जाता था। जो कि आज के समय में अगर आपसे कोई कहे तो आप कहेंगे कि ये तो मेथड बिल्कुल भी ठीक नहीं है छोटी क्लास के बच्चों के लिए। कुछ जैसे व्यवहारवादी जो थे, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि बच्चे का जो व्यवहार होता है, बच्चे की जो लर्निंग होती है वो काफी हद तक कंडीशन हो जाती है। और उसके बाद जब ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आई तो उसमें उन्होंने ये भी देखा कि हाँ, बच्चे का जो व्यवहार होता है वो रेनफोर्समेंट से भी काफी अफेक्ट करता है। तो उन्होंने वहां पे एक बात कही कि छोटी क्लासेस को ट्रेडिशनल मेथड से ना पढ़ा करके क्यों ना हम बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाएं। अब उनके हिसाब से कैसे पढ़ाएं? कि बच्चे अपनी स्पीड से पढ़े, अपनी स्पीड से पढ़े, बच्चे का जो लेवल है उस लेवल को ध्यान में रख के हमें जो हमारा जो लेसन प्लान है वो बनाना चाहिए, और बच्चा जिस हिसाब से सीख सकता है, जिस गति से सीख सकता है, उससे हमें उसको सिखाना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक प्रोग्राम लर्निंग का कंसेप्ट बीएफ स्किनर ने दिया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं, किसी भी कंसेप्ट को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसको क्या करिए, आप उसको ब्रेक डाउन करिए। मतलब उसको विभिन्न हिस्सों में बांट दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी टॉपिक है आप उसके तीन या चार हिस्से कर सकते हैं, और हर एक हिस्से को आप उसकी डिफिकल्टी लेवल के अनुसार रखिए। कि मतलब जो थोड़ी सी इजी चीज है उसको पहले करा दीजिए, उससे टफ उसके बाद, उससे टफ उसके बाद, और लास्ट में सबसे टफ चीज। मतलब डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से भी आप उसको अरेंज कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो सकता है, मान के चलिए कि आप बच्चों को संज्ञा ही पढ़ाना चाहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब संज्ञा पढ़ाने के लिए डायरेक्ट ये थोड़ी कि संज्ञा को हम डिफाइन करते हैं कि भाई संज्ञा क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, वो तरीका गलत है ना। अगर हम बच्चों को स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएं कि अपने आसपास जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं पहले उनको सर्च करो, उसके बाद नेमिंग वर्ड सर्च करने के बाद हम उस नेमिंग वर्ड्स में भी क्लासिफिकेशन करवा सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट के नाम कौन से हैं, पर्सन के नाम कौन से हैं, प्लेस के नाम कौन से हैं, इमोशंस कौन कौन से होते हैं, इस तरीके से हम करवा सकते हैं। उसके बाद हम बच्चों को धीरे धीरे डेफिनेशन पर लेकर जाएं, और उसके बाद हम बच्चों को लास्ट में उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवा सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज करवा सकते हैं। कहने का मतलब ये कि एक टॉपिक है जिसको मैंने कई आ, 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 हिस्सों में बांट दिया। ध्यान रहे, हर एक हिस्से को हम फ्रेम कहेंगे, कि ये पहला फ्रेम हो जाएगा, फ्रेम वन, फ्रेम टू, फ्रेम थ्री, फ्रेम फोर, इस तरीके से फ्रेम हो जाएंगे। पहले बच्चा फ्रेम एक कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो फ्रेम दो पर आएगा, फिर फ्रेम तीन पे आएगा, फिर फ्रेम चार पे आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता जाएगा। ये इसमें प्रोग्राम लर्निंग में होता है, पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसमें ये भी होता है कि ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा पहले फ्रेम को कंप्लीट कर लेता है
और सक्सेसफुली अगर वो कंप्लीट करता है तो वहां पे बच्चे को रेनफोर्समेंट दिया जाना चाहिए। रेनफोर्समेंट आई होप आप सभी को पता होगा, रेनफोर्समेंट को हम हिंदी में पुनर्बलन भी कहते हैं, रेनफोर्समेंट। ठीक है, कई बार बच्चा जब ये देखता है कि भाई मैंने पहला टॉपिक सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो वो खुद से ही मोटिवेट हो जाता है, और फिर भी टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे ने क्योंकि पहला फ्रेम कंप्लीट किया है तो वो उसको अप्रिशिएट करे, वर्बली करे या कोई रिवॉर्ड उसको दे सकता है। कैसे भी करके बच्चे को रेनफोर्स किया जाना चाहिए, पहली। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, तीसरी चीज ये होता है इसमें कि अगर मान के चले कि कोई बच्चा किसी फ्रेम को कंप्लीट नहीं कर पाता, मतलब असफल हो जाता है या उसको प्रॉब्लम आती है, तो वहां पे फिर क्या करना है आपको, वहां पे बच्चों को ही कहना है कि आप खुद सेल्फ इवेलुएट करो। क्या करो? सेल्फ इवेलुएट करो। अब सेल्फ इवेलुएट बच्चा कैसे करेगा, उसके लिए आप बच्चे की मदद कर सकते हैं। हो सकता है कि जो आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हो बच्चा नहीं सीख पाया, तो आप बच्चों को वहां पे उससे रिलेटेड जो उसके आंसर्स हो सकते हैं वो दे दो कि बेटा इससे क्रॉस चेक करो, खुद से ही पता लगाओ कि आपने क्या गलती की है। और जब बच्चा खुद सेल्फ इवेलुएट कर ले तो आप उसको फिर से मौका दें कि वो बच्चा उस फ्रेम को कंप्लीट करे। तो यहां पर आपने देखा कि किस प्रकार से प्रोग्राम लर्निंग वर्क करती है। प्रोग्राम लर्निंग में पहले हम किसी टॉपिक को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट देते हैं जिसको कि हम फ्रेम कहते हैं, उसके बाद हर एक बच्चे को उस फ्रेम को कंप्लीट करना होता है। जो बच्चा फ्रेम को कंप्लीट कर लेता है सक्सेसफुली वो नेक्स्ट फ्रेम में जाता है और उसको रेनफोर्समेंट दी जाती है। जो बच्चा नहीं कर पाता उसको वापस से अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि बच्चा सेल्फ इवेल्युएट खुद को करेगा। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि प्रोग्राम लर्निंग तो वैसे बहुत बढ़िया चीज है, तो यहाँ पर हमें इसके कुछ बेनिफिट भी समझने की जरूरत है कि भाई इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। इससे बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, जैसे कि पहला कि बच्चा की खुद अपनी गति से सीख रहा है, बच्चे की अपनी एक सेल्फ पेस है, सीखने की एक अपनी गति है ना। अब एक क्लास में सीधी सी बात है एक ही तरह के बच्चे तो नहीं होते, हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं, कुछ बच्चे धीरे सीखते हैं, है ना, कुछ एवरेज होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जो बच्चा बहुत तेज है सीखने में वो तो इस फ्रेम को जल्दी जल्दी कंप्लीट करेगा, लेकिन जो बच्चा स्लो है वो धीरे धीरे इस फ्रेम को कंप्लीट करेगा। लेकिन यहाँ पे हर एक बच्चे को स्वतंत्रता मिली है कि वो अपनी गति से सीखे। ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे का कोई एक फ्रेम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो छोड़ो उसको, चल बेटा तीसरे फ्रेम पे आ जा, तीसरा कंप्लीट कर ले, दूसरे को मिस कर दो, ऐसा नहीं होता। आपको फ्रेम बाय फ्रेम हर एक फ्रेम कंप्लीट करवाना ही पड़ेगा बच्चे को। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गया सेल्फ पेस कि बच्चा खुद से सीख रहा है, दूसरा सेल्फ इवेल्युएशन कि बच्चा खुद से इवेल्युएट कर रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब बच्चा सेल्फ इवेल्युएशन कर रहा है तो यहाँ पे बच्चा एनालिसिस भी कर रहा है चीजों को, ठीक है, और यहाँ पे लर्निंग पहले के मुकाबले और बेहतर होती है। क्योंकि देखिए जब आप मान के चलिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आप एग्जाम में असफल होते हैं, तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो घर आता है और अपने उस पेपर को इवेल्युएट करता है, सेल्फ इवेल्युएट करता है कि मुझसे कहाँ गलती हो गई। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वो अपने बारे में और बेहतर समझता है कि हाँ मेरी ये कमियां हैं, मुझे यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो यही चीज इस बच्चे के साथ भी होगी कि सेल्फ इवेल्युएशन करेगा तो खुद समझेगा, अपने बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से समझेगा, उस कंटेंट को भी समझेगा कि हाँ भाई ये मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी। तो सेल्फ इवेल्युएशन बच्चा करता है, सेल्फ पेस उसको मिलता है, और यहाँ पे क्या होता है कि हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। हाँ, थोड़ी सी इसमें दिक्कत ये होती है कि टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा समय इसमें लग जाता है, क्योंकि आप खुद ही समझिए हर एक बच्चे को हर एक फ्रेम कंप्लीट करना है, तो अगर आप कोई टॉपिक इससे पढ़ाना चाह रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए इसको आप प्राइमरी सेक्शन में ज्यादा अच्छा मान सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास तक के लिए ठीक है, अपर प्राइमरी में ये इतना हेल्पफुल नहीं है क्योंकि बच्चे के बाद पास बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस होता है, कंटेंट ज्यादा होता है, तो वहां पे अगर आप फ्रेम वाइज पढ़ाने लगेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, सिलेबस कंप्लीट ना हो इसकी संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा इस प्रोग्राम लर्निंग से रिलेटेड, इसको आप समझ लीजिए। इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं या आप कह सकते हैं कि कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको ध्यान रखिएगा प्रोग्राम लर्निंग से रिलेटेड। सबसे पहला तो होता है स्मॉल स्टेप्स,
जैसा कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया कि किसी टॉपिक को हम क्या करते हैं, स्मॉल स्टेप्स में बांटते हैं। हम एक साथ सारा कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, स्मॉल स्टेप में हम करके पढ़ा रहे हैं। तो स्मॉल स्टेप इसका सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रोग्राम्ड लर्निंग का। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि आपको कोशिश करना है कि हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे। आपने फ्रेम तो बना दिया और फ्रेम आपने जब डिजाइन किया है तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। उस एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक फ्रेम में आपको हर एक फ्रेम में जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं ना उसके लिए भी एक्टिविटी डिजाइन करनी पड़ेगी और उसमें आपको कोशिश करना पड़ेगा कि हर एक बच्चे का इन्वॉल्वमेंट बना रहे। एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा हर एक बच्चे का तभी हर एक बच्चा उस फ्रेम पर वर्क करेगा, उसको सीखेगा और नेक्स्ट फ्रेम में जा पाएगा। क्योंकि अगर बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है तो जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो उसी फ्रेम में रह जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर एक बच्चा सीखे, तो उस फ्रेम को कंप्लीट कराना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो स्मॉल स्टेप एक्टिव पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट जैसा कि मैंने आपको अभी समझा दिया कि एक भी फ्रेम जब बच्चा कंप्लीट करता है तो वहां पे रेनफोर्समेंट बच्चे को दिया जाना चाहिए। कई बार बच्चे सेल्फ मोटिवेट भी हो जाते हैं कि उनको खुद से अच्छा लगता है कि हाँ मैंने ये कंप्लीट कर लिया, मैं नेक्स्ट करूंगा। तो वहां पे अगर सेल्फ मोटिवेशन है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि रेनफोर्समेंट बच्चे को देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे में नीरसता आ जाती है, फिर वो इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की कोशिश भी नहीं करता। तो बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन बना रहे इसके लिए रेनफोर्समेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर फोर पे आता है सेल्फ पेसिंग। सेल्फ पेसिंग जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया भी कि यहाँ पे बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी ही स्पीड से सीखने की, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो, आप जिस भी स्पीड में आप सीख सकते हैं उस स्पीड में सीखिए। तो बच्चे को यहाँ पे पूरी अपॉर्चुनिटी होती है। नेक्स्ट है सेल्फ इवैल्यूएशन। मैंने जैसा कि अभी समझाया कि हर एक फ्रेम के बाद जो बच्चा अनसक्सेसफुल होता है उसको आपको सेल्फ इवैल्यूएशन का मौका देना है कि बच्चा खुद से अपने आप को इवैल्यूएट करे, उसके लिए आप बच्चे की मदद करेंगे। ठीक है, तो सेल्फ इवैल्यूएशन मैंने आपको समझा दिया। एंड लास्ट इज फीडबैक। फीडबैक देना बहुत जरूरी है। ये फीडबैक आप फ्रेम वाइज भी दे सकते हैं या आप लास्ट में भी दे सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन कि बच्चे को नीड है या नहीं फीडबैक की। बिना वजह का फीडबैक नहीं देना है कि बच्चे को हम हमेशा कमियां ही निकालते रहें, नहीं ऐसा नहीं करना है। फीडबैक आपको पॉजिटिव फीडबैक देना है कि अगर बच्चे में कोई कमी भी है तो आपको इस तरीके से बच्चे को बताना है कि बच्चा चीजों को समझे। ठीक है, डीमोटिवेट आपको नहीं करना है। तो फीडबैक देना है, फीडबैक जरूरत के हिसाब से बच्चे को फ्रेम वाइज भी दे सकते हैं या लास्ट में भी दे सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इस प्रोग्राम लर्निंग से रिलेटेड। इस प्रोग्राम लर्निंग में जो भी आप मटेरियल यूज करेंगे इसके लिए बहुत सारी मटेरियल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया एक टीचिंग मशीन भी होती है। टीचिंग मशीन इतना यूजफुल आज के समय में तो खैर नहीं है, लेकिन ये जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया भी था कि सिडनी एल प्रेसी, इन्होंने सबसे पहले टीचिंग मशीन बनाई थी, फिर बीएफ स्किनर ने भी टीचिंग मशीन पे काफी वर्क किया था। टीचिंग मशीन में कुछ नहीं था कि जो भी हम फ्रेम बना रहे हैं उस फ्रेम के तहत जो भी बच्चों को हम पढ़ाएंगे वो एक मशीन के थ्रू बच्चों को दिया जाता था। ठीक है, मतलब कोई भी एक सामग्री होती थी वो एक मतलब एक तरीके की मशीन बना दी गई थी, कुछ इस टाइप से मान के चलिए मशीन सी बना दी गई थी, या कुछ ऐसे मतलब स्लिप्स वगैरह निकलती थी पर्चियां जिसमें कुछ मटेरियल होता था बच्चों को, बच्चे के लिए बच्चा उसको सीख जाता था फिर नेक्स्ट उसको दिया जाता था, कुछ इस टाइप से उन्होंने ये टीचिंग मशीन बनाई थी। ठीक है, तो सिडनी एल प्रेसी का नाम याद रखिएगा। टीचिंग मशीन में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले किसने बनाया था, तो सिडनी एल प्रेसी। प्रोग्राम्ड लर्निंग की बात हो, सबसे पहले मतलब प्रोग्राम लर्निंग किसने दी, तो बीएफ स्किनर द्वारा दी गई है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल चीज भी नहीं है। प्रोग्राम लर्निंग बहुत ही अच्छी चीज है अगर आप बच्चों को करवा पाते हैं सक्सेसफुल। ठीक है, प्रोग्राम लर्निंग के लिए एक चीज ये भी है जैसे कि मैंने, टाइम कंज्यूमिंग होता है, साथ के साथ दूसरा ये भी होता है कि टीचर एफिशिएंट भी होना चाहिए। प्रोग्राम लर्निंग हर कोई नहीं करवा पाता है, क्योंकि प्रोग्राम लर्निंग में आप जब फ्रेम बनाएंगे तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई मुझे फ्रेम किस तरीके से बनाना है, और फिर बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन भी आपको इंश्योर करना है। तो टीचर का ट्रेंड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस
टीचिंग स्ट्रेटजी का यूज करने के लिए। तो ये था पूरा प्रोग्राम लर्निंग, आई होप आप समझ पाए होंगे प्रोग्राम लर्निंग। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक देना ना भूले, हमें भी फीडबैक की जरूरत पड़ती है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।